आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस की हमने एप्लीकेशंस की, सिस्टम को कन्वर्ट करना यूनिट्स के, किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करना और फॉर्मूला ड्राइव करना। ये तीन एप्लीकेशन करने के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स बच जाते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सहारा लेते हैं प्रूफ होने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करना पड़ता है। तो हम वो जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है फर्स्ट यूनिट का, क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट आज ओवर हो जाएगी, वो लास्ट पोर्शन उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं जिनमें आपको अननोन टर्म्स निकालनी है किसकी फॉर्म में, अननोन टर्म्स निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन दे रखी है ए टी की पावर 2 प्लस बी टी की पावर 3। ये इक्वेशन है, x डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसे डिपेंड करता है। ए और बी हमें नहीं पता, यही हमें निकालने हैं। व्हाट आर द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, व्हाट आर द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ये हमें निकाल के बताना है। देखिए अब इस तरीके की इक्वेशन हमें दे दी और कोई दो अननोन चीज हमें पूछ ले इसमें से, तो हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि वही ये कहता है कि चीजें आपस में तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं किसी इक्वेशन में अगर उनके डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। तीन टर्म्स हैं यहाँ पर, 1, 2, 3। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये दो आपस में ऐड हो रही हैं, तो इन दोनों की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की डायमेंशन के, ये चीज आपको पता है। सॉल्यूशन में देख लेते हैं, वही यूज करेंगे। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता है x की डायमेंशन कितनी है, जो x है इसकी डायमेंशन है L1, T0, M0, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब जो डायमेंशन x की है वही इस टर्म की होगी, वही इस टर्म की होगी। सो डायमेंशन ऑफ दिस a, टाइम को कैपिटल T ऐसे डायमेंशन लिख लेते हैं, a हमें नहीं पता क्या है अभी, इसकी डायमेंशन जो है वो किसके इक्वल होगी, इसी के M0 L1 T0। A की आपको डायमेंशन निकालनी है, T को नीचे ले आओ, T को इधर लाओगे अपॉन में हो जाएगा, पावर 2 है, ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगी, -2। L1 पहले से है, M0 है छोड़ दो, और T क्या हो गया, -2। दोबारा देख लीजिए, जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, इसकी डायमेंशन तो L1 है सिर्फ, तो इसकी भी क्या होगी, इसकी डायमेंशन को हमने L1 के इक्वल रख दिया, यहाँ पर A हमें पता नहीं है, टाइम है तो इसको T2 कर लिया, टाइम को इस तरफ ले गए, पहले अपॉन में आया, अपॉन से ऊपर लाए, माइनस का हो गया, तो A की डायमेंशन क्या आ गई, L1 T -2। डायमेंशन ये है तो यूनिट क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, लेंथ को तो मेजर करते हैं मीटर में, पावर 1 है, टाइम को करते हैं सेकंड में, तो माइनस है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है इसकी यूनिट है। दोनों चीजें बता दी हमने, ए की यूनिट भी बता दी और डायमेंशन भी बता दी। अब बी, सिमिलरली बी क्या है, बी टाइम का क्यूब T3, वो भी किसके इक्वल, जो डायमेंशन एक्स की होगी, और वो क्या है L1। तो अब बी की क्या रह जाएंगी, T अपॉन में जाएगा, T का क्यूब, ऊपर आएगा तो T की -3।
ये है आपके पास डायमेंशन बी की, और अगर आपको यूनिट निकालनी हो तो वही मीटर पर सेकंड क्यूब, क्योंकि एल वन मीटर, टाइम को सेकंड में करते हैं, माइनस थ्री है तो पर मीटर क्यूब हो गया। इस तरीके से हम अननोन टर्म्स की जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से। और कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए अभी आप ही की बुक्स के क्वेश्चन हैं ये जो कराए जा रहे हैं, मोस्टली जब आप देखोगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी में एक रिलेशन दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन में डी प्लस टी। ये इक्वेशन है जहां पर t टाइम है और v वेलोसिटी है। आपको क्या करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी, चारों की आपको डायमेंशंस बतानी है। देख लीजिए इक्वेशन में v आपको पता है वेलोसिटी है, t आपको पता है टाइम है, ये भी t है टाइम है, बाकी c d b a ये कुछ नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है। एक टर्म ये है, एक ये है, दो टर्म यहाँ है, एक ये ऐड कर रखा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कंबाइन एक टर्म ही हो जाएगी। ये तीनों टर्मों की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी के, क्योंकि सेम डायमेंशन की टर्म्स को ही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेलोसिटी का क्या डायमेंशन आपके पास m0, जीरो वाले को छोड़ ही देते हैं अभी फिलहाल, l1 t माइनस वन ये है। अब आपको पता है a जो है उसका भी क्या होगा, तो सिंपली एड दोनों तरफ सेम डायमेंशन है तो a की भी क्या होंगी, l1 t माइनस वन। सिमिलरली bt, b इंटू में t कैपिटल, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी bt की, l1 t माइनस वन, लेकिन ये t है अपॉन में जाएगा, वन की पावर है ऊपर आएगा, माइनस वन होगा, तो b की क्या हो जाएगी, l1 t माइनस टू। बात आ रही है आपको, t अकेले b की वैल्यू चाहिए ना, तो t को अपॉन में ले जाओ, ऊपर आगे माइनस का हो जाएगा और एड होके क्या हो जाएगा, माइनस टू। थर्ड टर्म देखिए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है पहले, लेकिन हम डिनोमिनेटर को देखें, एड का साइन है, एडिशन हो रहा है किसका, टाइम का किसी डी के साथ, तो हमें पता है एडिशन तो सेम क्वांटिटी का ही हो सकता है, तो अगर टाइम में कुछ ऐड हो रहा है तो यानी कि उसकी डायमेंशन भी किसके जैसी होगी, टाइम के जैसी होगी। ये चीज क्लियर आपको, तो देख लीजिए फिर इसकी भी टाइम के जैसी होगी, तो ये टी है तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। कंफर्म हो गया आपको कि ये भी क्या हो गया, टी हो गया, तीन चीजों की वैल्यू आ गई। अब अगर ये टी है ऊपर है सी अपॉन में, तो ये भी टी, तो आपने सिंपल लिख लिया टी, मल्टीप्लाई होता तो टी का स्क्वायर हो जाता, प्लस है तो ए की डायमेंशन लिखी जाएगी। और अब ये कंप्लीट, यानी कि ये कंप्लीट किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, जो क्या है एल वन टी माइनस वन। अब ये टी ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई का है, ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर वन है, ये माइनस वन है, कैंसिल आउट होकर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल वन। तो ए बी सी डी चारों डायमेंशन आपके पास आ गई है। दोबारा देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया, अब उनमें प्लस में है दो चीजें, एक का डायमेंशन पता है तो दूसरे का आपको पता होना चाहिए कि सेम में सेम ही ऐड होता है, टाइम है तो ये भी टाइम ही होगा, प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही तो बोलता है, इसलिए डी भी क्या हो गया, टाइम, और सी अपॉन में टाइम, फिर आपने किसके इक्वल रख दिया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए राइट द डायमेंशंस ऑफ, राइट डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी, इसकी डायमेंशंस आपको लिखनी है इन रिलेशन, कोई रिलेशन दे रखा है फोर्स का, किसके इक्वल है, ए अंडर रूट एक्स
बी टी का स्क्वायर, ये रिलेशन है। ए भी आपको निकालना है डायमेंशन, एफ फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है, टाइम है आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका, तो सॉल्यूशन में आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, तो अब जो फोर्स का है m1 l1 t माइनस 2 वही किसका होगा, इसका। a पावर हाफ और x का क्या होगा, डिस्टेंस है तो l1, तो यानी कि क्या आ गया a l की पावर हाफ। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स चले गए, a की वैल्यू निकालनी है, एल की पावर हाफ इसके अपॉन में आएगा, ऊपर जाएगा माइनस हाफ, एक में से माइनस हाफ गया, प्लस का हाफ बच गया, एम वन एल हाफ टी की पावर माइनस टू, ये हो गया ए का जो आया है रिलेशन। सिमिलरली बी टी स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल आएगा, फोर्स के ही इक्वल आएगा, तो ये है एम वन एल वन टी माइनस टू, तो B क्या आ गया, ये प्लस टू था नीचे जाएगा, ऊपर लाओगे तो माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू पहले से है, माइनस टू ये आ गया, तो T की वैल्यू क्या हो गई, माइनस फोर हो गई। A भी आ गया, B भी आ गया, पर निकालना किसका है, A डिवाइडेड बाय B, तो A डिवाइडेड बाय B किसके इक्वल, A का फॉर्मूला m1 l हाफ t माइनस टू, और इधर है B का m1 l1 t माइनस फोर, ये कैंसिल आउट, ये ऊपर आएगा तो माइनस का वन हो जाएगा तो माइनस का हाफ, ये ऊपर आके प्लस का हो जाएगा तो टी बचेगा टू, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को, ठीक है, सिंपल तरीका है हमारे पास। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर ये मेथड भी और हो जाएगा और ये यूनिट भी जो है 11th की हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो भी ओवर हो जाएगी। क्या है हमारे पास, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर रिलेटेड टू वर्क एज डब्ल्यू इज इक्वल टू के एफ ए वी बी टी सी, ये इक्वेशन दे रखी है कि वर्क के साथ फोर्स वेलोसिटी और टाइम का ये रिलेशन है, एबीसी दे दिया, और आपको इन्हीं एबीसी की वैल्यू पता करनी है कि अब ये बताओ एबीसी क्या होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, तरीका आप इससे पहले वीडियो में कर चुके हो, कैसे करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे दोनों तरफ, वर्क एनर्जी m1 l2 t माइनस 2, ये तो कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, फोर्स m1 l1 t माइनस 2 की पावर a, वेलोसिटी l1 t माइनस 1 की पावर b, टाइम t1 की पावर c, मल्टीप्लाई करें ma la t माइनस 2a lb t माइनस b tc, और इस तरफ m1 l2 t माइनस 2, बेस सेम है तो इकट्ठा कर लीजिए, एम ए की बार है तो ए, एल है दो बार ए प्लस बी, टी है तीन बार माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी, और इस तरफ है m1 l2 t माइनस 2, पावर क्या करेंगे, कंपेयर ए की वैल्यू क्या है 1 और ए प्लस बी किसके इक्वल, इस इक्वेशन से 2, ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, इधर देखिए माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस टू, ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1, तो ये माइनस टू माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू माइनस टू, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 और ये आ जाएगा 1, तो तीनों की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास 1 1 1। तो इस तरीके से आप जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट फर्स्ट यूनिट थी हमारे पास क्लास 11th।